स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट डाटा में। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे चार बेहतरीन स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड प्लान। म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी की हम इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि इन प्लान के अंदर अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो लगातार अगर 10 साल का आप रिटर्न उठाकर देखेंगे स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न है दोस्तों ये किसी भी फंड के मुकाबले 4 से 6 गुना ज्यादा मिल सकता है। अगर आप स्मॉल कैप को कंपेयर करेंगे बैंक FD के साथ तो यहाँ पर रिटर्न होगा कम से कम 8 से 10 गुना ज्यादा, या फिर अगर आप कंपेयर करेंगे स्मॉल कैप को लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के मुकाबले तो यहाँ पर रिटर्न आपको मिलेगा 3 से 4 गुना ज्यादा। दोस्तों स्मॉल कैप के अंदर आपके पैसे पर रिस्क जरूर है क्योंकि यहाँ पर जितना भी आपका पैसा है वो बेहतरीन जो स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज हैं उनमें निवेश किया जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए प्रॉफिट और आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, 10-15-20 हजार-25 हजार आपके पास हैं, लेकिन उसी से आपको एक बड़ा फंड बनाना है, तो उसके लिए आपको सबसे बेहतरीन ऑप्शन स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड प्लान ही मिलते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपके पैसे पर जो रिटर्न होगा वो कंपाउंड मिलेगा, लगातार आपका पैसा काफी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर अगर कोई शॉर्ट टर्म में करेक्शन आता है और उस पीरियड में आप पैसे को निवेश करते हैं, जैसे अभी पिछले महीने मार्च में एक शॉर्ट टर्म में 8-10% का करेक्शन हुआ था, यहाँ पर अगर आप इस करेक्शन के टाइम में पैसे को निवेश करते तो दोस्तों आज की डेट में कुछ टाइम में यानी कि 1-2 महीने के अंदर भी आपके पास 15-20% का रिटर्न होता। अभी भी आपको एक बेहतरीन मौका मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी करेक्शन है, कई म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर 4-6% का आपको करेक्शन मिल सकता है और अभी भी आप निवेश करते हैं तो यहाँ से अगर मार्केट के अंदर एक अच्छा रिटर्न बाउंस मिलता है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में जब भी आप पैसे को निवेश करते हैं दोस्तों तो आपका जो नजरिया है वो कम से कम 7-8 साल या फिर 10 साल का होना चाहिए, इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में जितने भी पैनिक आएंगे उन्हें आप आसानी से फेस कर सकते हैं। और अगर आपका टारगेट 8-10 साल निवेश करने का होगा तो उससे आप कंपाउंड रिटर्न का बेनिफिट भी काफी अच्छे से ले सकते हैं और लगातार आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। लगातार म्यूचुअल फंड में 10-12 साल से आप रिटर्न देखेंगे तो कंपाउंड जो रिटर्न है वो आपको काफी बेहतर मिला है। अभी भी आपके पास मौका है कि यहाँ पर आप पैसे निवेश करते हैं तो यहाँ पर एक बड़े फंड बनाने के टारगेट को काफी आसानी से आप पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम इन सारे फंड्स की डिटेल्स चेक करते हैं और लास्ट में हम एक एग्जांपल कैलकुलेशन के साथ भी समझेंगे कि कैसे और कितने टाइम में आप कम पैसे से एक बड़ा फंड बना सकते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे पहला फंड जिसकी हम बात कर रहे हैं यह है SBI का स्मॉल कैप फंड। दोस्तों यहाँ पर एक साल से लगातार इस फंड ने जो रिटर्न है वो दिया है 39% का, लेकिन लास्ट 3 ईयर में रिटर्न है 25%, लास्ट 1 ईयर की बात करें तो रिटर्न है 27.97% और लास्ट 1 ईयर में रिटर्न है 26%। दोस्तों ऐसा नहीं है कि लगातार इस फंड ने रिटर्न काफी बेहतर दिया है, अगर आप देखेंगे चार्ट पर ध्यान से तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे फंड के अंदर कई बार करेक्शन भी आए हैं। सबसे पहले अगर बड़े करेक्शन की बात करें तो आप देखेंगे 2020 के अंदर यहाँ पर फंड के NAV का प्राइस 62 रुपए था 2020 में, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन था, करेक्शन हुआ नीचे और फंड के NAV का प्राइस नीचे आ चुका था 42 रुपए। लेकिन उसके बाद दोस्तों 2020 से लेकर अगर हम अब तक की बात करें यानी कि 4 साल के अंदर इस प्लान के NAV का जो प्राइस है वो दोस्तों 181 रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन इसके अलावा पिछले 1 महीने के अंदर भी करेक्शन देखने के लिए मिला था, 181 रुपए का प्राइस था 2 मई को, लेकिन एक बड़ा करेक्शन आया शार्प और प्राइस हो गया था 174 रुपए और वापस से अभी यहाँ पर ट्रेड हो रहा है 183 रुपए। यानी कि शॉर्ट टर्म में भी इस प्लान के अंदर करेक्शन जरूर आए हैं, लेकिन ओवरऑल दोस्तों अगर बात की जाए तो फंड के अंदर जो रिटर्न है यहाँ पर ये 26% से ज्यादा मिला है। सेकंड फंड जिसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों ये अपनी कैटेगरी का एक धाकड़ फंड है, टाटा स्मॉल कैप फंड। क्योंकि अगर हम सिर्फ ऑल टाइम के रिटर्न की बात करें तो आप देखेंगे कि इस फंड ने लगातार 28.62% का CAGR दिया है, यानी कि दोस्तों लगातार लोगों ने जो पैसा है यहाँ पर वो काफी बेहतरीन कमाया है। लगातार 10-12 साल से इस प्लान का रिटर्न काफी बेहतर हुआ है, पिछले 5 साल की हम बात कर लें तो 31% से ज्यादा रिटर्न है, लेकिन 3 साल की बात की जाए तो 32% का रिटर्न, 1 साल की अगर हम बात करें तो 47% रिटर्न और 6 महीने की बात करें दोस्तों तब भी इस प्लान ने 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है। दोस्तों इस प्लान के अंदर भी करेक्शन बहुत पर आए हैं, 2020 का एक बड़ा करेक्शन आया, उसके बाद 2022 के अंदर भी एक करेक्शन देखने के लिए मिला था, लेकिन इससे पहले 2024 में भी दोस्तों मार्च फरवरी के महीने में एक करेक्शन आया था, लेकिन दोस्तों इन सारे करेक्शन को फेस करने के बाद भी फंड का ऑल टाइम का रिटर्न 28% से ज्यादा है। इसी तरह यहाँ पर अगर बात करते हैं हम दोस्तों HDFC स्मॉल कैप फंड की तो आप देखेंगे कि इस प्लान के अंदर ऑल टाइम में जो रिटर्न है वो 21% से ज्यादा मिला है और पिछले 5 साल में इस प्लान ने 25% का रिटर्न,
लास्ट 3 ईयर की बात करते हैं तो 30% रिटर्न, लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 43% रिटर्न, और दोस्तों 6 महीने में भी इस प्लान ने यहाँ पर 15% से ज्यादा रिटर्न दिया है। इस प्लान के अंदर भी पिछले यहाँ पर दोस्तों मार्च में एक शॉर्ट टर्म में करेक्शन जरूर मिला है, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो फंड के अंदर लगातार जो रिटर्न है वो दोस्तों काफी बेहतर मिला है। यहाँ पर 21% का अगर आपको CAGR मिल जाता है तो आप सोच सकते हैं कि आपके पैसे लगातार कितने तेजी से बढ़ सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर फोर्थ फंड की हम बात करें तो यह है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। इस प्लान के अंदर अगर हम ऑल टाइम की बात करें तो फंड ने रिटर्न दिया है 25% से ज्यादा, और दोस्तों अगर पिछले 5 साल की बात करें तो प्लान का रिटर्न 29% है, लास्ट 3 ईयर की बात करें तो 26% रिटर्न, लास्ट 1 ईयर की बात करें 38%, और दोस्तों 6 मंथ में भी फंड ने 13% से ज्यादा रिटर्न दिया है। इस प्लान के अंदर करेक्शन जरूर आया है, लेकिन इन सारे ही करेक्शनों को फेस करने के बाद भी एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न काफी बेहतर दिया है। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आप कैसे और कितने टाइम में पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर अब आप देख रहे हैं एक लमसम कैलकुलेटर। हमने 5 फंड डिस्कस किए और सारे फंड का रिटर्न 28% से 21% के आसपास है, लेकिन यहाँ पर आपको यानी कि 21% कमजोर फंड का रिटर्न है इतना ही मिल जाता है। सबसे पहले आपका टारगेट है यहाँ पर कम से कम पैसे निवेश करने का। दोस्तों अगर 25,000 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 10 साल में इससे आप 168,000 रुपए का फंड बना सकते हैं, 143,000 का रिटर्न होगा। लेकिन अगर आप 20 साल तक पैसे निवेश करते हैं तो यहाँ पर आप 25,000 का निवेश करके भी 11,31,000 रुपए का फंड बनाएंगे और 11 लाख का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप 25 साल तक पैसे निवेश करते हैं तो आप 29 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों 25,000 से ज्यादा अगर आप पैसा निवेश करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कहीं से 1 लाख रुपए का फंड आता है, इसे आप निवेश करते हैं, तो दोस्तों इस 1 लाख रुपए फंड से भी आप 1,17,00,000 रुपए का फंड बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में साफ तौर पर, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस के साथ निवेश करना है। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि आपको कम टाइम में पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बनाना है, तो इसके लिए अगर आप यहाँ पर 2 लाख रुपए निवेश करते हैं और आपका टाइम पीरियड कम आप करते हैं, यानी कि यहाँ पर आप जैसे जैसे टाइम पीरियड कम करेंगे, यानी कि 21 साल में भी आप 1,09,00,000 रुपए का फंड बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप यहाँ पर लमसम पैसे निवेश नहीं करना चाहते, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी के जो ये प्लान है इसमें 1-2 प्लान के अंदर ही आप लमसम कर सकते हैं, बाकी के प्लान में भी लमसम बंद है, लेकिन SIP आप इन चारों ही प्लान के अंदर कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ यहाँ पर 2,000 रुपए महीना SIP करते हैं, सेविंग कर लेते हैं सारे पैसे काट कर और आप इतनी बचत कर लेते हैं, तो दोस्तों उस टाइम पीरियड में भी आप देखेंगे कि 21% रिटर्न अगर आपको मिलता रहता है तो यहाँ पर 21 साल में आप 5,40,000 रुपए का निवेश करके भी 90,00,000 रुपए तक फंड बना सकते हैं। इसमें 85,00,000 से ज्यादा आपको दोस्तों रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ज्यादा यानी कि 5,000 रुपए महीना निवेश करते हैं, तब भी दोस्तों अगर आपका टारगेट 1 करोड़ रुपए फंड बनाने का है, तो यहाँ पर सिर्फ 17-18 साल के अंदर भी आप 1 करोड़ रुपए फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पर फंड की कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स जरूर चेक करनी है, क्योंकि दोस्तों आप ये पता कर सकें कि यहाँ पर पोर्टफोलियो कैसा है और किन स्टॉकों में आपके पैसे को निवेश किया गया है। तो इसमें सबसे पहले फंड अगर हम SP स्मॉल कैप की बात करते हैं तो इसके अंदर होल्डिंग में 57 स्टॉक शामिल है, जिसमें टॉप होल्डिंग में ब्लू स्टार, कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, फिनोलेक्स इंडस्ट्री, GNTD इंडिया लिमिटेड, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो स्टॉक है ये काफी बेहतरीन स्टॉक है, 57 जिनमें पैसे को निवेश किया गया है, और फंड के अंदर यही वजह है कि लगातार जो रिटर्न है वो भी काफी बेहतर मिला है। जबकि फंड के NAV का जो प्राइस है अभी वो है 183 रुपीज, फंड की रेटिंग 3 है, 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों ने प्लान के अंदर निवेश किए हुए हैं, और यहाँ पर SIP के थ्रू मिनिमम 500 रुपए आप निवेश कर सकते हैं, लमसम इस फंड के अंदर अभी बंद है। अगर हम टाटा स्मॉल कैप की बात करते हैं तो यहाँ पर होल्डिंग में 51 स्टॉक है, इनमें टॉप होल्डिंग में BASF इंडिया, क्विक कॉर्प, गुजरात पीपा पोर्ट, IDFC, रेडिको खैतान, इनकी यहाँ पर भी दोस्तों बेहतरीन स्टॉक शामिल है जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। कुल मिलाकर होल्डिंग में 51 स्टॉक शामिल है। फंड के NAV का प्राइस 40 रुपीज है, रेटिंग 5 है, और दोस्तों 7,000 करोड़ रुपए के आसपास लोगों ने इस प्लान के अंदर पैसे को निवेश किया है। इस प्लान के अंदर आप SIP के थ्रू 100 रुपए निवेश कर सकते हैं मंथली बेसिस पर, और लमसम इस प्लान के अंदर अभी बंद है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड की, तो इसके प्लान की होल्डिंग में कुल मिलाकर 79 स्टॉक शामिल है। टॉप होल्डिंग में फर्स्ट सॉल्यूशन, बैंक ऑफ बड़ौदा, सोनाटा सॉफ्टवेयर, ई क्लर्क सर्विसेज, SDM, यानी कि दोस्तों सारे ही बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक शामिल है स्मॉल कैप कैटेगरी के, जिनके अंदर पैसे को निवेश किया गया है। फंड के NAV का प्राइस अभी 140 रुपीज है, रेटिंग 2 है, और 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों ने प्लान के अंदर निवेश किया है, जबकि फंड में आप कम से कम 100 रुपए SIP से भी निवेश कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड की होल्डिंग की बात करते हैं तो इसकी होल्डिंग में कुल मिलाकर 102 स्टॉक शामिल है जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। टॉप होल्डिंग में बिरला सॉफ्ट, नारायणा, ब्रेड इंटरप्राइजेस, ब्लू स्टार,
चोलामंडलम फाइनेंस, कृष्णा यानी कि यहाँ पर भी बेहतरीन स्टॉक शामिल है जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। दोस्तों फंड के एनएवी के प्राइस की बात करें तो ये 105 रुपीस है, फंड की रेटिंग 5 है, 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों ने प्लान के अंदर निवेश किए हुए हैं और मिनिमम यहाँ पर आप 100 रुपए SIP के थ्रू निवेश कर सकते हैं और इस प्लान में आप लमसम में भी 5,000 रुपए तक निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर HDFC के अंदर भी स्मॉल कैप में आप पैसे को निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर शॉर्ट टर्म में जरूर करेक्शन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर लॉन्ग टाइम की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट काफी बेहतर मिल सकता है। दोस्तों ऐसी बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो उसके लिए भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।